उत्पम को किस तरह से बनाया जाए कि उसे हम इजीली उठा के पलट भी सके और वो चिपके बिना, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ उत्पम, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस व्लॉग से। आज समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज उत्पम बना लेते हैं। और जैसे मैं उत्पम बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखना। और ये वाला उत्पम बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अलग स्टाइल में है और बहुत ही सिंपल है, तो पूरी वीडियो देखते रहना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब कर देना, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखा देना, थैंक यू। तो मैंने एक कटोरी सूजी लिया है अंदाजे से, मुझे पता है मैं हर बार बनाती हूँ, हम चार जने खाने वाले हैं, तो मैंने एक कटोरी सूजी ले लिया। और मान लो बचता भी है ये जो, तो कोई बात नहीं, सुबह यूज हो जाता है। और इसमें मैंने एक कटोरी से आधा कटोरी में दही डाल दूँगी, चाहे आप बराबर डालो, और थोड़ा सा मतलब पानी मिला दूँगी, ठीक है, ये वाला पानी नहीं, मतलब वैसा पानी भी आप डाल सकते हो। एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी मैंने इसमें दही डाला है, ठीक है, और इसमें और क्या डालना है, और ठीक है, और कम से कम इतनी काली मिर्च आप डाल दो, 10-12 काली मिर्च है, और ये डाल दो इसमें, आप देखना क्या टेस्ट आने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हम एक चम्मच छोटा है, टीस्पून नहीं एक्चुअली, मसाले वाला चम्मच है, छोटा सा है ये, इसमें आप जीरा डाल दीजिए, ठीक है, और इसमें डाल दो एक चम्मच आप नमक डाल दीजिए, बाद में अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च भी मिलाऊंगी मैं इसमें, आप देखना। तो ये देखो, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको तैयार करना है, इतना पतला होना चाहिए, इससे मोटा होगा तो अच्छा नहीं रहता। और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्च मिलाई है, थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई है, नमक मिलाया, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस दही और सूजी, और उसमें अभी इतना टेस्टी कम बनने वाला ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट में तो ज़्यादा मसाले वसाले डालते होंगे, लेकिन मैं कोई मसाला नहीं डालने वाली, बहुत टेस्टी है, बहुत। चलो ठीक है, अब मैं इसे एक घंटे बाद बनाऊंगी, और इसमें जो डालना है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। तो इसमें मैंने टमाटर, शिमला और प्याज बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया, मैंने उसी के अंदर ही सारा जो मैंने सब्जियाँ काटी थी, शिमला प्याज टमाटर या बीन्स है, वो मैंने सारा उसमें ही मिला दिया है। आप वैसे ही बना सकते हो कि पहले पेस्ट बिछा लो और फिर ऊपर से सब्जियाँ डालो, पर मैं मिला लेती हूँ, मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता है और ईजी भी रहता है। तो आप अपने मन से दोनों तरह के इसे बना सकते हैं, और बस इसको थोड़ा पकने दीजिए, जब पकता है तो हमें पता लग जाता है साइड से कि वो हो चुका है, फिर उसको पलटना है किस तरह से, वो अभी आप देखना ये ना पक रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखो ना, देखो थोड़ा सिंक कर सकते हैं आप, और ये देखना इस तरह से मैं इसे उठा दूंगी, देखो बिल्कुल नहीं चिपका है, ये लो जी बस हो गया। तो मुझे उत्पम अच्छा लगता है, जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है ना अच्छे से बनाने आती है, वो मैं दिखा देती हूँ अपने चैनल में। अब ये तवा ना मेरे हाथ में बहुत लगता है, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना बहुत ही टेस्टी, बहुत गर्म है अभी, बहुत टेस्टी बना है सच में, बहुत। अब इसको आप हरी चटनी से या अचार से आप खा सकते हैं, देखो कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप इसको चाहे तो ऐसे ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में कट करते हैं ना, ऐसे कर भी सकते हैं, रख दो सर्व कर दो, इतना अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा उत्पम बनाने का तरीका, सो प्लीज़ कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू वेरी मच।